मैं धरती माँ और आप धरती पुत्र, दोनों एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए हैं कि आप मुझ बिन नहीं रह सकते और मैं आप बिन। लेकिन मेरा मातृत्व आपको लापरवाह न बना दे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इस धरती माँ के बारे में सोचें। 150 साल पहले मेरी सुंदरता अतुलनीय थी। मैं फूल, हरियाली और पेड़ में ढकी हुई थी। मेरा औसत तापमान लोगों के लिए आरामदायक था। एयर कंडीशनर की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ तक कि पंखों की आवश्यकता भी नहीं थी। ठंडा रहने के लिए जरूरी थी सिर्फ एक पेड़ की छाया। लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि बुखार की तरह मेरा भी बाहरी वातावरण गर्म हो रहा है। जिस तरह बुखार के बढ़ने से शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक उसी तरह मेरा भी संतुलन धीरे धीरे बिगड़ रहा है। मेरे वातावरण को ज्यादा गर्म होने से बचा लीजिए। मेरे चिंतित धरती पुत्रों का कहना है कि मेरे वातावरण का बाहरी औसत तापमान पिछले 125 सालों में 0.850 डिग्री बढ़ गया है। इसके कारण मेरे महासागरों में एसिड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे मैं अपने छोटे छोटे जीवों के जीवन के लिए चिंतित हूँ। गर्मी बढ़ने के कारण सदियों से पानी देने वाले ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और ये पानी महासागरों के जल स्तर को बढ़ा रहा है। इसका परिणाम ये है कि महासागरों का जल स्तर 0.19 मीटर तक बढ़ गया है और तटीय इलाकों में बसे हुए शहर डूबने के कगार पर हैं। पिछले 125 सालों में हुए धुएं का उत्सर्जन मुझे बहुत ज्यादा गर्म कर रहा है और यदि यही धुआं जारी रहा तो मेरे वातावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। आपको एहसास कराना मेरा धर्म है, क्योंकि मेरी गोद में पलने वाले छोटे जीव जंतु, पेड़ पौधे और आने वाली संतान का भविष्य मुझे चिंताग्रस्त कर रहा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरा तापमान बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि आपको करोड़ों सालों तक सेवा करने वाली माँ की जरूरत है। कुछ लोग अनजाने में मुझे व मेरे प्राणियों व पेड़ पौधों को भी कष्ट दे जाते हैं और खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। आपका यही अनजानापन कहीं लापरवाही में न बदल जाए, इसलिए आप अपने चारों तरफ वातावरण का ध्यान रखिए और इसे गर्म होने से बचाइए। मेरे वातावरण के गर्म होने के प्रमुख कारण हैं औद्योगिक प्रदूषण, प्रदूषण पैदा करने वाले यातायात के साधन, वृक्षों की कटाई, खेतों में जरूरत से ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग करना, गोबर गैस संयंत्र का उपयोग ना करना, जानवरों को संतुलित आहार ना देना और पराली या अन्य फसल अवशेष को जलाना। पराली या फसल अवशेष जलाना बेहद हानिकारक है। ये ग्रीन हाउस गैस और ढेर सारा खतरनाक काला कार्बन पैदा करता है। एक टन पराली जलाने से 1600 किलोग्राम ग्रीन हाउस गैस, काला कार्बन और धुआं पैदा होता है। काला कार्बन अस्थमा, दमा और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का कारण है। सबसे अधिक
हानिकारक प्रभाव उन लोगों में अधिकतम होते हैं जो मासूम हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं, जैसे हमारे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और हमारे सम्मानित बुजुर्ग। ये गांव और आसपास के क्षेत्रों के सभी लोगों को बीमार करके उनकी चिकित्सा लागत में भारी वृद्धि करता है। पराली जैसी फसल अवशेष को जलाने का नुकसान न केवल लोगों और पर्यावरण का है, बल्कि मूल्यवान फसलों, खेतों की मिट्टी, सुरक्षा और यहां तक कि घरों के लिए भी बहुत ही घातक है। पराली जलाने के कुछ गंभीर आर्थिक परिणाम भी हो सकते हैं। जब पराली जलाई जाती है तो भूमि की ऊपरी परत के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और खेतों की मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव व केंचुए समाप्त हो जाते हैं, जो कि किसानों के दोस्त माने जाते हैं और जिनसे मिट्टी पोषक होती है। मेरे धरती पुत्रों ने इस मिट्टी को उपयोगी बनाए रखने के लिए सदियों से उपाय किए हैं। विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय, कृषि वैज्ञानिक और विभिन्न कृषि अनुसंधान संस्थान इस बात से सहमत हैं और ये सलाह देते हैं कि पराली को मिट्टी में मिला देना सबसे अच्छा विकल्प है। इस पराली को ऐसे प्रयोग में भी लाया जा सकता है जिससे किसान को अतिरिक्त आमदनी हो सके, और यही उपाय आज इस मिट्टी को उर्वरक बनाने में सहायक हैं और मेरे वातावरण को गर्म होने से बचाए रखने में भी सक्षम है। पराली को मिट्टी में मिलाने के लिए चॉपर द्वारा फसल अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़ों में खेत में ही काट दिया जाता है और इस पर बायो वेस्ट डीकंपोजर का छिड़काव कर डीप प्लाव से गहरी जुताई कर दी जाती है। इससे पराली या फसल अवशेष के मिट्टी में मिल जाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे कि अगली फसल की बुआई के लिए खेत जल्दी तैयार हो जाता है। फसल अवशेषों के मिट्टी में मिल जाने से पराली में पाए जाने वाले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर मिट्टी में मिल जाते हैं और पोषक तत्वों की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है और साथ ही कार्बनिक पदार्थ भी बढ़ जाते हैं और आग लगने से होने वाली हानि से खेत बच जाता है। इस विधि को अपनाने से खेतों में अलग से उर्वरक डालने की आवश्यकता कम हो जाती है, जिससे कि उत्पादन लागत में कमी आती है। इस समाधान को आसान बनाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और आधुनिक मशीनों को प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें कि देशी और विदेशी दोनों तरह की मशीनें किसानों को उपलब्ध हों। इसके अलावा खेत के किसी अलग हिस्से में इसकी कंपोस्टिंग करके जैविक खाद बनाया जा सकता है। क्योंकि कंपोस्टिंग एक अलग हिस्से में ही हो रही होती है, खेत में अगले फसल की बुआई के लिए किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। कई जगह पर फसल अवशेषों को गन्ने व मक्का की बुआई के वक्त खेत को ढकने में किया जाता है, जो कि तापमान व नमी दोनों को बनाए रखने में सहायक होता है और अलग से पानी देने की आवश्यकता कम हो जाती है। इतना ही नहीं, पराली या फसल अवशेष बाद में खाद के रूप में बदल जाते हैं, जिससे कि उर्वरक लागत में कमी आती है। मैंने अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाई तो पाया कि गले सड़े फसलों के पदार्थ बहुत कम हैं। मैंने अपनी समझदारी से काम किया, अपनी जीरी के अवशेष पराली खेत से बाहर नहीं जाने दी और ना ही उन्हें जलाया, अपने खेत में ही उनको मिलाया। इससे मेरी डीएपी यूरिया का खर्चा बहुत कम हुआ, मेरे खेत में मित्र कीड़े बढ़े, मेरी फसल का झाड़ बढ़ा। मैं सभी किसान भाइयों को सलाह देता हूँ कि अपने खेत में से फसल के अवशेष ना जलाएं और ना ही इन्हें खेत से बाहर जाने दें। अक्सर धान की फसल की कटाई के बाद पराली को खेत से हटाने या कंपोस्ट में बदलने का समय नहीं होता, जिससे कि अगली फसल की बुआई में दिक्कत होती है। कई किसानों ने इस समस्या से छुटकारा पाने का विकल्प ढूंढ लिया है और फायदा उठा रहे हैं। हैप्पी सीडर मशीन एक ऐसा ही प्रभावी व किफायती विकल्प है।
हैप्पी सीडर ट्रैक्टर के पीछे सीड ड्रिल मशीन की तरह काम करता है, जिससे कि खेत में पराली या फसल अवशेष होने के बावजूद भी चलाया जा सकता है। इस तरह खेत में पराली के ऊपर से ही गेहूं व अन्य फसलों की बुआई हो जाती है और पराली को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हैप्पी सीडर के प्रयोग से भूमि की तैयारी का खर्च कम हो जाता है, क्योंकि गेहूं की बुआई हेतु ना तो पराली व अवशेष जलाने की जरूरत और ना ही जुताई की जरूरत। बस सीधी बुआई करो और एक सिंचाई व खाद की बचत करो, साथ ही साथ मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाओ और मिट्टी को ताकतवर बनाओ। इसके प्रयोग से खेत में होने वाले खरपतवार पर नियंत्रण लग जाता है तथा लाभकारी सूक्ष्म जीवों की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। साथ में पराली के पोषक तत्वों का मिट्टी में मिलने से व भूमि में जैविक पदार्थों की वृद्धि से मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है और जमीन में नमी को बनाए रखने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जिसके कारण किसानों को कम खाद व पानी देने के साथ साथ उपज व मुनाफे में बढ़ोतरी होती है। मैंने बचपन में देखा कि जब हम खेत में जाते थे तो हमारे पिताजी खेत में पराली के अवशेषों को न जला करके उनको खेत में ही मिला देते थे। इससे खेत में यूरिया और DAP की खपत भी नहीं होती थी और इससे खाने में जो दानों का स्वाद था वो भी बहुत मीठा होता था। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम भी पराली के अवशेषों को खेत में न जला करके इस अपने वातावरण को बचाएं। मेरे किसान भाइयों से यही संदेश है कि हमें वातावरण को बचाना है और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाना है। खेत की मिट्टी भी यही मांग कर रही है और इससे आने वाली पीढ़ियों का भी फायदा होगा। पराली या फसल अवशेष प्रबंधन की समस्या से निपटने के लिए बेलर मशीन का भी उपयोग किया जा सकता है। अगर फसल अवशेषों को गट्ठर के रूप में बदलना हो तो पराली या फसल अवशेष को रेकर की मदद से एक कतार में व्यवस्थित कर देते हैं और बेलर के प्रयोग से इनको गट्ठरों में बदल देते हैं। इन गट्ठरों को किसानों के खेत से उठाने के लिए कई ग्रामीण उद्यमी कार्य कर रहे हैं। उनके अनुसार एक एकड़ खेत में ऐसे गट्ठरों को बनाने में और खेत से हटाकर ट्रैक्टर या ट्रक में लादने में केवल 10 से 15 मिनट लगते हैं। पराली का गट्ठर के रूप में बदल जाने से इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में या स्टोर करने में बहुत सुविधा होती है। इन गट्ठरों के कई उपयोग हैं, जैसे कि गाय और भैंसों के चारे के लिए इन गट्ठरों को उन जगहों पर भेजा जा सकता है जहां पर पशु चारे की कमी है, जैसे कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के वो जिले जो हरियाणा या पंजाब की सीमा से लगे हैं, जहां पर पराली के चारे को हरे चारे, बिनौले की खल, सरसों की खल के साथ मिलाकर खिलाया जाता है, जिससे कि दूध उत्पादन व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है। और इसके अलावा देश के अन्य सूखा प्रभावित क्षेत्र जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में पराली के चारे की मांग है। इसके अलावा फसल अवशेष को बेल में बदल जाने और ट्रांसपोर्टेशन के लायक बन जाने से कई बायोमास कंपनियां और पेपर इंडस्ट्री इन गट्ठरों को अपने प्रयोग के लिए खरीद रही हैं, जिसके लिए भी इनके प्रतिनिधि सीधे किसानों के संपर्क में हैं। इन बेलों को बेचकर अच्छी आमदनी की जा सकती है। किसान भाई फसल अवशेषों को व्यर्थ न गंवाएं, क्योंकि इससे आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। अपने पर्यावरण व स्वास्थ्य को बचाने के साथ साथ आमदनी बढ़ाना ही समझदार किसान की पहचान है। मेरा मानना है कि जिम्मेदार और कुदरत का आपस में गहरा नाता है। मिट्टी, पानी, हवा, डांगर, पक्षी, पेड़ पौधे किसान की मदद करते हैं। कुछ सालों से हम लोग फसल की पराली मिलाने की बजाय उनको जला देते हैं। इससे खेत की नमी, मिट्टी के मित्र कीटाणु और आसपास के पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। सरकार वातावरण में धुएं की मात्रा को कम करने का प्रयास कर रही है। किसान भाई हैप्पी सीडर, रोटावेटर, रिपर का प्रयोग करके पराली को मिट्टी में मिलाएं और अपने खाद का खर्चा कम करें या अपनी पराली बेचकर आमदनी बढ़ाकर सरकार का सहयोग करें। इन सब के अतिरिक्त हमें फसल अवशेष की समस्या से निपटने के लिए कृषि के विविधीकरण पर भी ध्यान देना होगा। कृषि के विविधीकरण से तात्पर्य है कि
कि हम धान जैसी अधिक खाद व पानी चाहने वाली फसलों के बजाय पारंपरिक फसलें जैसे कि मक्का, दलहन व तिलहन की फसलें और सब्जी उत्पादन करें जिनको पकने में कम समय लगता है। इन फसलों के उत्पादन से आमदनी बढ़ाने के साथ साथ जोखिम न लेना ही समझदार किसान की पहचान है। इस फिल्म में बताए गए तरीकों को अपनाकर बिना जलाए भी आप फसल अवशेषों का उपयोग फायदेमंद और प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। भारत सरकार ने पराली या फसल अवशेष को बेहतर व लाभदायी ढंग से उपयोग करने के लिए अलग अलग योजनाएं शुरू की हैं, जिनका किसान व ग्रामीण उद्यमी लाभ उठा सकते हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न यंत्र जैसे कि हैप्पी सीडर, बेलर, चॉपर, रेकर, रोटावेटर और रीपर आदि को किसानों के संगठन जैसे कि प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संघ, स्वयं सहायता समूह इत्यादि द्वारा खरीदे जाने पर अनुदान राशि दी जाएगी। यदि कोई किसान स्वयं के प्रयोग के लिए इन यंत्रों को खरीदना चाहते हैं तो उन्हें भी अनुदान सहायता उपलब्ध होगी। भारत सरकार की ये योजना वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए लागू होगी। मैं अज सहुं चुकदा हाँ कि मेरे खेत की मिट्टी जो कि मेरी खुशहाली का प्रतीक है। फसलों की रहिंद नूं मिट्टी विच मिला के उपजाऊ बनावांगा अते मैं अपनी खेती लागत नूं घटा के अते आमदन विच वाधा करके अपनी समझदारी नूं साबित करांगा। यह मिट्टी जो कुदरत की एक विरासत है उसनों आने वाली पीढ़ियां दे लई सांभ के रखना यही मेरा किसान धर्म है। मेरा वादा एक किसान का वादा है जो कि मैं मिट्टी की सेवा करके पूरा करांगा। असी सारे सहुं चुकते हाँ, असी सारे सहुं चुकते हाँ, फसल की रहिंद, फसल की रहिंद, जा पराली नूं अग नहीं लावांगे, जा पराली नूं अग नहीं लावांगे, अते अपने वातावरण नूं, अते अपने वातावरण नूं, आउण वालियां पुस्तां, आउण वालियां पुस्तां लई तंदुरुस्त रखांगे, लई तंदुरुस्त रखांगे। इसके अलावा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नाबार्ड के माध्यम से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 3 वर्ष की अवधि के लिए जागरूकता, कृषि विविधीकरण एवं फसल अवशेषों के प्रबंध वाली एक योजना चला रही है, जिसके अंतर्गत किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंध व कृषि विविधीकरण के बारे में जानकारियां दी जाएंगी। इन राज्यों में ये योजना कृषि विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। इन योजनाओं की अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने कृषि विभाग के नजदीकी कार्यालय से संपर्क करें। धन्यवाद। मैं धरती माँ इतनी संतुष्ट हूँ कि आपने भी फसल अवशेषों का बेहतर तरीके से उपयोग करने की शपथ ली है और न केवल अपने जीवन बल्कि पौधों, कीड़ों, जानवरों और दुनिया भर के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का इरादा बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव गांव में, देश देश में अब विकास है हर प्रदेश में। गांव गांव में, देश देश में अब विकास है हर प्रदेश में। छा गया है, बन गया है भारत की ये शान। ये साथ है तो जिंदगी बन जाएगी खुशहाल। नाबाद, गांव बढ़े तो देश बढ़े।